हाँ जी हेलो गाइस, और आप सब कैसे? उम्मीद कर आप सब बहुत अच्छे हो। तो मम्मी मैंने फिलहाल सुनाने लग रही है, तो मैं रुझा रुझा मैं ब्लॉग शुरू करूँ। किस बात पर सुनाओ मैंने किस बात पर सुनाओ मैंने भाई सुरेश का फोन आ रहा है, तो सुरेश नंबर वाला लेने जाऊँ। तो ऊपर टी शर्ट पहन रही हूँ और नीचे सलवार पहन रही हूँ। तो मम्मी ने कही ये क्या पहन रही है, बेइज्जती करवाने लग रही बदल ले। तो मैंने कहा मम्मी ने गाड़ी में कुछ कौन दिखा है, तो गाड़ी पूरा खड़ी होगी, बाकी कपड़े खड़ी होगी, कौन लेके कौन सा। तो गाड़ी फिर गाड़ी में कुछ दिखा था आपको नहीं यार, बता नू सुन नहीं होगी तो बता क्या दिखागा, बैठेगा कुछ ना दिखा, कितना लेट हो जाऊंगा। तो आपको भी सुरेश इतनी जल्दी कैसे आएगा, वो बिल्कुल आ गया भाई फिलहाल यहाँ पे, उसने ये सारा कुछ काम था तो वो ले मैं बरवाड़ा वहाँ पर बाईपास पर उतरने लग रहा हूँ। केमी ठीक है मी, मम्मी ने फोन तो दे दे, मैंने मैं फोन भूल लेगी, दूसरा फोन तो दे दे, सो फोन आगा उसका जी बेटे में, वो दूसरा मी हो उसका फोन आगा। अरे भाई ने इतनी देर की कोशिश कर रहा है सुन की, इतना गुंडा डेड है जमा नहीं सुन रहा है भी। ठीक है मी, तो मैं बाकी को सुरेश ने दिया हूँ। ठीक है मी, तो सुरेश ने लेके आऊँ हूँ, और सुरेश ने लेके भाई सुरेश क्यों आना रहा है उससे पूछांगे, क्योंकि वो रात रात रुकेगा भाई किसी काम पर, वहाँ था वापिस ही सार आया था कुछ डॉक्यूमेंट वो करके, फिर बोला मैं भाई शाम में फिर निकलना पड़ा, बोला चलो मैं घर आ जाऊँ रोटी पानी खा जाऊँ। आवाज बंद करी पापा ने पर पापा उठ रहे, पापा मन पर मैं ले आऊँ। तो ये हमारा गाल का लुक फिलहाल देख लो, कुछ नहीं है मेरी गाड़ी फिर आ रही खड़ी है। तो भाई मैं निकल ले चुकी हूँ ससुराल से, और मतलब कि मैं ससुराल से निकल के बस स्टैंड से निकल चुकी हूँ। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है वहाँ पर भाई, कभी तो मैंने पता तो कौन भाई कौन जेठ लग गया है कौन ससुराल लग गया है, क्योंकि मैं कभी मेरे घर से बाहर ना निकला करूँ तो मैंने नहीं पता। सच को उन्हें तो जो एक ताऊ तो पता है मैंने भाई, जो ताऊ हैं उनकी शक्ल तो मैं जानूँ, जो बाकी हमारे परिवार में फैमिली में जितने मेंबर हैं ना, मैं किसी की शक्ल नहीं जानती कि हमारा फैमिली मेंबर है इसका के नाम है या किसकी बहू है या किसका छोरा है या किसकी छोरी है, किसी के बारे में मैंने कुछ नहीं पता, किसी के बारे में भी कि मैं घर तक कभी निकलती है वो नहीं। और मम्मी मैंने डांट भी लगाया करे है, मैं बस ऐसा कर दूँ मम्मी मैंने डांट लगाया करे बहुत ज़्यादा, तू गया करे है तू घर तक निकलती ना, तेने कई भाई रस्ते कोई मिल जावे पूछने लग जावे तो तू जानती नहीं तू किस गल बोलेगी किस गल नहीं। तो मम्मी मैंने बोल डांट लगाया करे है कि भाई तू जाया कर परिवार में जेठ है कौन देवर है सब बजाया कर, लेकिन मैंने पता नहीं कि स्टार्टिंग तो बचपन से आदत है कि मैं मेरे घर पे मैं कदे भी कौन जाया करती थी, कोई ब्याह शादी होती तो मैं बहुत कम था 1-2% था मैं ब्याह शादी में भी भाई चाचा दाऊ को जाया करती, वरना मैंने कहीं भी जाना पसंद नहीं है। यू नहीं भाई कोई एटीट्यूड है या कुछ ऐसा कोई भी बात नहीं है, बस मैंने पसंद ही कौन करता निकलना। और जिस तरह ही मैं मेरी ड्यूटी पॉइंट पर दिमाग में पहला सोनीपत थी यहाँ जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई मधुबन थी, तो वहाँ पर मेरे साथ वाली लड़कियाँ हैं वो मतलब कि इन्ने विन्ने क्यों घूमन फिरने चली जाती भाई जिस तरह, और सोनीपत थी जिस तरह ड्यूटी टाइम निकालने के बाद मैं भाई कैफे कैफे बोल रही हूँ जैसे भाई कहीं भी माने मेला माड़ा होया कोई टेड फेयर होया फन होया वहाँ निकल जाया करती, लेकिन मुझे पता नहीं बिल्कुल ही पसंद ना है, मैंने अकेला रहना पसंद है बिल्कुल ही, तो फिर मैं वहाँ भी ना निकला करती। तो सेम वैसे ही सेम यहाँ पे हूँ मैं, तो मैंने कौन पता था भाई कौन सा अकेला गया, तो मैंने परमानेंट ही भाई डाठा सा मार के और फिर ही निकली थी मैं घूंगड़ सा करके, फिर मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई थी मैं। और अगर मेरे रहने एक भैंस वाला टम्पू जान लग रहे हैं लेर वो ताऊ ने ले जी दे, एक बार बीच में कर ली है एक बार स्पीड कर ले, तो मैं एक बार ये स्पीड करके निकाल दिया मैंने अड़ते अगर फिर एक बिकलू रहने लग रहा था, मैंने निकाल दिया है बस एक गाँव छोड़ के सिर्फ बाईपास पर उतर लिया है, तो सुरेश बाईपास पर उतर आऊँगा मैं उसने लेके आ जाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी क्या दिन खतरा आया है क्यों आया है सब कुछ, यदि वो बताना चाहेगा तो। बाकी वो न्यू बोल रहा है अभी काम स्टार्ट होया है, एक बार बढ़िया सा हो जाना दे फिर बताते हैं। और उसके पीछे भाई बहुत सारा कुछ नहीं आई जा उनका आंसर मैं अभी तक नहीं दे पाई हूँ कि सुरेश जी आर्मी है वो छोड़ के क्यों आए हैं, मैंने रिजाइन देखा या परमानेंट छोड़ कर रहे हैं या फिर छुट्टी पा रहे हैं, ये सब आप सब क्वेश्चन है। तो इसका मैं जवाब देने का तो काफ़ी टाइम मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी आज ब्लॉग पक्का बनाऊँगी इस पास पक्का बनाऊँगी, तो
पता है लाइफ है ना इतनी बोर ही है मेरी, एक सेकंड का टाइम ना लगता। जो आपने पता भाई दो दो फैमिली हो रही है, पहले तो चलो मैंने छाड़ो छाड़ो ही भड़क रहा है करती, और सिरा पापा जाने के बाद में भाई मैंने क्यों भाई, और हमेशा भाई घर तो बाहर ही रहूँ मोस्टली, तो वहाँ की भी सारी जिम्मेवारी मेरे पर पड़ रही है, और यहाँ भी सामने बंद कर दिया था क्योंकि भैंस भूस बड़ी सारी आ गई थी, उन्होंने ग्यारह बार तक निकाल दी मैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है अभी, तो भैंस भूस जोड़ में है वो ले जाने का टाइम हो रहा है मोस्टली है, जो दोपहर में रख लिए मैं ताकि गर्मी गर्मी ना लग गई इतनी। सुरेश का फोन आने वाले किन्ने सी रह ली है, तो मैं वैसे पूछने वाली हो रही हूँ, तो बात थी वहाँ पे। मैं पहले सुरेश ने बोल रही थी किसी ने मैं सूट चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा जो प्रमोशन वन उसका सूट आ रहा है उसकी वीडियो ना पड़ी है, उसके फोन आ लिए दो तीन पर रख भी आज डालूंगी कल डालूंगी पक्का, तो टाइम ही नहीं लगता क्योंकि ऊपर तक गुच्ची संभालना, कभी वो बीमार हो जाए कभी मैं बीमार हो जाऊँ, कभी फैमिली वहाँ प्रॉब्लम हो जाए कभी यहाँ प्रॉब्लम हो जाए, मैं इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में बस पूछो मत ना। तो फिर मैं मोस्टली जो बताने की उस टाइप की मैं शेयर कर दूँ, और जो नहीं है थोड़ी सी तो वो छोड़ दूँ, बाकी किसी कोई बात को नहीं है इसमें, और कोई प्रॉब्लम ना है लाइफ में, बस कभी वो बीमार हो जाए है दूसरी टेंशन हो जाए, मम्मी की तबीयत खराब हो जाए है, ये फिलहाल है जो मेरी माँ है जो सड़ वाली माँ है उसके भाई कमर में झटका लग रहा है, तो वैसे चलती रहा है कभी उसको लग गया, बस इन प्रॉब्लम है बस मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ इनते। और मैं कहूँ थी मैं ली तो उस टाइम था भाई छुट्टी का, तब मैं माइंड फ्री थी सोचू थी ड्यूटी ज्वाइन करने बाद में, तो फिर तो मैं ना फैमिली टाइम दे पाऊँगी, इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा लाइफ में, ना उन्हें सॉल्व कर पाऊँगी ना टाइम दे पाऊँगी ना शायद सोशल मीडिया ना भी इतना ना दे पाऊँगी है, और सोचू थी छुट्टियाँ में तो मैं सोशल मीडिया ना पूरा टाइम दे लूँगी, लेकिन पता है जितना मैं ड्यूटी में होंगे टाइम दे पाऊँ उतना टाइम भी ना दे पा रही हूँ सोशल मीडिया ना बिल्कुल भी है, और वहाँ पर बेचारा के मैसेज आते रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम वीडियो वो डालनी थी, कभी उस अकाउंट पर वो वीडियो डालनी थी वो नहीं डाली, फेसबुक पर ये डालनी थी वो नहीं डाली, अपने यूट्यूब पर वो डालनी थी यूँ डालनी थी, ये भगवान बस डोरिया दिमाग की जमा है, और ऊपर तो छोटा बच्चा, और मैं सोच रही यार मैं तबीयत भी खराब है, मेरी ड्यूटी का टाइम आ चुका है तो अब मैं क्या क्या हैंडल करूँगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुरेश है वो हमेशा मैंने मोटिवेट करी जावे कि पावली तू तो हीरा है हीरा, तू एक प्रॉब्लम का है तेरे सामने लाखों प्रॉब्लम आ जाए ना तो भी तू हार मान आ गया, हार मानने वाला मतलब ना है वो, मैंने हमेशा मोटिवेट करी जा पॉजिटिव मोटिवेट कर हमेशा, तो उसकी वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट भी रहूँ, और प्रॉब्लम रियल में बताऊँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भाई मेरे पापा गए वही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पापा भाई हम छोड़ के चले गए, उस चीज़ से निकलना बिल्कुल महाभारत थी, तो सुरेश कहा तो उस चीज़ से ही निकल गए ना क्योंकि मैं पापा के यार वो कौन का आग्रह दिल का टुकड़ा, मैं पापा का दिल का टुकड़ा था यार है, तो ये सोचो मैं उस प्रॉब्लम से निकल गई, तो सुरेश ने कहा ये वो तो तेरे सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम है इधर तो तू मिनटा में निकल दे टेंशन ना लिया कर, वो सुरेश तो दिखा बोली मैं तो बाईपास के नीचे तो आ गई या फोन भी मारने लग रहा है वो लग रहा है, मैंने अगले जूस वाला भी कौन दिखा नहीं, जूस वाला खड़े रहे अगर अगले जूस तो कह दिया उसने कौन दिखा यार, मैं तो आ चुकी हूँ यहाँ पे, मैं कॉल कर लूँ एक बार मैं यहाँ बाईपास पे आ गई हूँ और खड़ी हो गई हूँ भाई पूछ लूँ मैं उनको, पापा आ गया कितने दिन बाद, कई दिन बाद, कितने दिन बाद नहीं तो गए थे दो दिन है ये मैं खम नींद चढ़ रही मेरे पूरी पूरी जमा कितने बताऊं मैं सीट बेल्ट लगा रखा था बारिश तो कौन थी लेकिन पहाड़ पर बारिश स्टार्ट हुई पहला बढ़िया ऊपर घुमाने जगह नहीं, मैं तो शुरू में सोचा था घूमने जगह अंडा फिर कुछ मैं 15 दिन इस एरिया में रहेगा, पूंडा शिमला मनाली कुल्लू मनाली शिमला लेह तक केलांग वैली सुलांग वैली जमा बूंदी लगन लगी मैंने सुतरी को नहीं लगा तो सुतरी लग गया मैं तो बूंदी लगन लाई क्यों डाली डाली काम थोड़ा को रोड फूट रहे हैं नीचे जाओ तो फिर वो तो आपका काम था घूमने लोग घूमने थे ना पैसा वेस्ट करके नहीं जाओ है हिमाचल में
अगले 4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस बाकी तुमने घर पहुंचने के बाद आगे बनाओगे सोनिका ब्लॉग क्यों अपने तो आवा नींद और घर जाएगा भी तो सोवा वीडियो बनाने दे मैंने वो सूट आई इतनी फोन वाले बेचारी के कमांडो फोन आता वाले वीडियो मां यार वीडियो सी मैं सिम को कोनी आज सूट ठीक है सूट खतर नहीं बताओ थी मम्मी ने और पूछना बाकी सा सूट फोन सुनने को मम्मी ये सोनी तुम बता दो भाई एक नंबर सूट है रियल टाइम बढ़िया बढ़िया सूट है ढिली को नहीं होगी मी ना टाइट को नहीं होगी कदी इसका वो हो जाए मी है नहीं निकर कदर अपने कट जाए इसका बेटी ए की गग्गा बेटा कल फोन कर दी तू ना नीचे गया कल नीचे गल दी दंदा आखा मुड़ गली रोंदा रोंदा गली आखा मुड़ गली नीचे गली है इसलिए कहा ऐसे पपन देखी मन तो देखी को नहीं दिखा ये कितना बैग भरा है पूरा बैग और के शेप का लेकर आया है ये हा मजे आ गए। तो गाइस इसका बड़ा था मेरी आंख देखो तुम मेरी आंख में निकल रही है धक्का तो ठा दिया आंख देखो लाल हो रही है बोली वीडियो बनाया के लिया खेत में तो चक्कर चक्कर मम्मू खा दिया मैंने और नींद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही वो तुम देख लो प्यार होने लग रही है सूरज बिल्कुल छिपेली है बस देख रहा देख लाली माँ देखने लग रही है फिर खेत में चला खेत में वीडियो बना लिया सूट की कोई प्रमोशन का सूट है तो मैं इसमें कहूँ अपने अगर वीडियो बनानी है ना अगर अपने वीडियो बनानी है ना तो वो कर लो क्या ओ वीडियो बनवानी होगी इसकी सूट की तो इस चक्कर चक्कर में धक्का आता है तैयार तू होने लगी सिंगड़न लग रही क्या ही मैं क्या क्रीम लाने लग रही लेट होने लग रही है फिर तुम लोग बनी को नहीं यार बढ़िया कौन बनी फिर फायदा किया है अभी भी अगर वीडियो बना रही सुनू इतना ठंड वाह हो रही है कि ना मैं मतलब अंधेरा दिखने लग गया मुँह पर फेस पर थोड़ा लोग पहुँचे कि ना गाड़ी गाड़ी लेकर चलेंगे तो बने को नहीं 1% भी तो मेरी मान ले तो भी बन जाएगी दिन भी छिप गया ये मुँह पर क्रीम लाने रहने दे तू क्रीम को लगा दी मलाई से देख ले ले एक आड़े मुँह ले दिन छिप गया ऐडे मंगवा पूरी ऐडे मंगवा ले क्योंकि उड़ा नमना सी नू बेरा मैं क्रीम लगा है मम्मा मलाई ले मेरे पेज में काट के मलाई लगाने लगा रही हूं मैं को क्रीम लगा ले कर ले एक ऐडे मंगवा कैसा लगा सूट का किसी ने बताइयो आप अच्छा ना सूट बताओ कैसा लगा सूट अच्छा है सूट तो बढ़िया दुपट्टा ले कर ले दुपट्टा दे ले यार फले गया तो आज का मैं तो पक्का हो गया ठीक नहीं होगा और मूंगी देख ले मारा मूंगी बोला दे दो आज बेटा आज को लो दे दे सूट तो ठीक लग गया बढ़िया एक नंबर बस वो पर रिसेशन ही हाँ बढ़िया एक नंबर और वीडियो कौन बनाएगा अंधेरा पहले मेरे भाई वीडियो का तो लोकेशन ढूंढ रही है मेरे वेड़ा भी टोड़ा मैं क्या वीडियो बनाऊँ मैं बना ले कि मैं बना ले पूरा बना ले यार रुको पूरा मैं एक वीडियो हम शूट कर रही थी नेसो वाला बिटोड़ा उसकी वो बोली नोली मारे बिट मारे को से ठाण लाग रही थी देखियो उनको से ठाण में तारे कहते अरे गुगू अपनी अभी किसने पैड देता है ये पता अरे लोकेशन कैसी है लोकेशन बढ़िया लोकेशन से लोग को देना गोबर मकड़ी वो वीडियो बना लाग रही है ना ना कोई बात को नहीं गोबर की भाई ये सूट आया है इसमें देखो मतलब कि कितनी प्यारी कढ़ाई कर रखी है बाजू के ऊपर और जो दुपट्टा है उस पर इतनी प्यारी लैस लगा रखी है बहुत ही अच्छी ग्रेस आ रही है मैंने डीप गला करवाया है यो और इसमें देखो जोड़ी के ऊपर और पैंचे के ऊपर और साथ में
बाजू को सेम, तीनों जगह सेम वर्क है, बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही यूनिक सूट लगे मैंने। यो कपड़ा जितना प्यारा है, कलर भी उतना ही प्यारा है और उतना अच्छा वर्क कर रखे है सूट के ऊपर। और ये सूट आया है मेरे पास में गराना बुटीक की साइड से। सूट तो मेरे पास में काफी आया हूँ लेकिन मैंने किसी का कपड़ा पसंद को नहीं आया, किसी का कलर पसंद नहीं आया और किसी का वर्क पसंद नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही प्यारा कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कपड़ा है और वर्क तो पूछो ना, बहुत ही प्यारा कर रखा है। तो ये सूट है हमने सिलवा लिया है। यदि आपने भी इस टाइप का सूट लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया, आप जाके उन तक कॉन्टैक्ट कर सको। और भी बहुत प्यारे प्यारे इनका पास में डिजाइन है, आप जाके ब्रेन तक कांटेक्ट करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने भी ना वो नकल तो वो के जरूरी इधर डालने यार, किसी के एक करोड़ के टी-शर्ट डाले अपने डाले रहने, देखो ना सोचो किस कितना हले में की कर ले, मैं कट्टा लगा लूं थी, भले उल्टे गाल दें कट्टा में ना अपने कर ले, तो ऐड ते एक ठले यार नीचे तक, ए क्या था पूरी भरूंगी भर ले आ लेने के भीतर अपन के ये तो के नहीं सकते। माँ बताओ मैं कुकर का बनाओ वीडियो ले तो बता दे तेरी बनाएगा पहला, तू करके बता कुकर का बनाने वीडियो मानो कहे नुकर के बना, दोबारा बताओ बुढ़ी हो रही मैं तुम्हें, तुम कर देना तुम कुकर का मानो कहे नुकर का बना वीडियो बोली घूम के के लत्ता पकड़ के मम्मी ने बलता पकड़ के एक पासे का पल्ला पकड़ के हां ये कुकर का मां की होगा मम्मी के को है फूल दे के मम्मी बेचारी फूल तोड़ के ले आई देखिए ये रे अनु का फूल लगा लौटा है देश की तो बैठ तो भाई ले बैठ तो दादी पोते बैठ जो दादी ने बोला भाई गला वीडियो बनाओ तो पारी करू थी देखिए दनु गला बैठ के देखिए देखिए दनु गला चपके देखिए इसका कपड़े चेंज करूं मैं कपड़े चेंज करूं बरा नहीं नहीं बेरा है कल फिर डाल के खेत बना लूंगी ना क्योंकि भाई एक दो रील बनी है मेरी इसमें बना दे और के मेरा तो अंडे पांडा नहीं छोड़ने लाए रे उड़ता आया था नींद पूरी नहीं हुई बोले साग चीर मम्मी ने पकड़ा दिया मेरे लिए भाई आलू मम्मी बोली बोली आलू चीर दे तो मेरी लेट हो रहे हैं बोली क्यों शुरू में खेत में जाते वीडियो आडियो बनाने का अतरे लेकिन वीडियो बना नहीं पाए भाई तुमने बेरा देर हो गया तो आड़ी मैंने परलांगण में अपनी वीडियो बना दी जल्दी जल्दी भी जुट रहे हैं बच बच गए शुरू में भाई को तो भाई नन्ना अरे सकदे रखे या गुंचू गुंदन लग रही है मन्ना आलू छोले है अरे मम्मी जल्दी जल्दी बिलौनी बिलानी साफ करने लग रही है क्यों लेट हो गए मम्मी तुम देख सको दिन छिप गया अरे मारा सूटा का तुमने बेरा है भाई सूटा ही बड़ा गुच्छी कदर जाओ फिर रुक के मारेगी गुच्छी 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 कर ले तुम कि मैं एक जगह बैठी बैठी इसके पैर का हाथ का करकराहट लग गया है ना तो हाथ धोना ही धोना रूल है दीवा चढ़ दीवा चासन भी तत्व पहुंचा लग रहा है पूरा फर्श पे बार बार उस पर भी चप्पल निकाल लगे ना तो पैर करकराट लग गया ना मतलब करकराट साफ हो भाई तो ये हमारा सूट आ देख ले इतना करकराट भी इसने पसंद नहीं है क्या तो गाइस कपड़े कपड़े बदल के मैंने लगाया था आटा ओनली और रोटी बनाने लग गई मम्मी क्योंकि भाई बीच में मैस का दूध काटना पड़ गया था तो एक दो रोटी खा ली थी मैंने इधर में मैस का दूध निकालना पड़ गया फिर मैं दूध निकालने चल गई और इतनी सी रोटी बनानी पड़ा इधर में मम्मी ने बना दी तीन रोटी और बनानी रह रही बस ज़्यादा वो कौन होती और फिर देखो कुछ चमका रहे हमारे क्या मी मैं खोलेगी ना उड़े है मैंने वो सुरेश को लेके आया था मक्की मेरे खाता राम था कच्ची मक्की लेके आया था देखो कच्ची मक्की लेके आया था चार पांच तो मैं एक दो वो करी है कि मैं जाऊँ बेली में मल के मार दूसरे घर में उसमें ला रहे नींबू तो वहाँ से नींबू लाऊँ तोड़ के ना और कमेंट कर दिया अगर काफ़ी इनकी दीजिए फेस पर क्रीम लगाया करो कौन सी क्रीम यूज़ करा करो तो भाई मैं कोई क्रीम करीम यूज़ नहीं करा करूँ लाइफ में मैंने कभी करी ही नहीं क्रीम और एक दो बार मैंने करी है ना लाइफ में नहीं कहती भाई एक दो बार मैंने करी है शादी में भी करी है या फिर एक दो कोई फंक्शन में गई हूँ तब मैंने करवाया है थोड़ा बहुत मेकअप वाकअप लेकिन मैं शूट ना करता बिल्कुल भी तो मेरा दिक्कत दे दे तो मैं लगाया करूँ जब कहीं जाना वो करना हो ना थोड़ा चिकना हाथ लगा लिया करूँ या तो क्यों आ गया वाह बॉडी लोशन होया करूँ वो लगा लिया करूँ वो ख़त्म हो रहा वो मैं बहुत कम लगाया करूँ क्योंकि मैंने वो भी शूट ना करें मैं लगा करूँ अपने फ्रीज में तो मलाई निकाल के इतनी सी वहाँ लगा लिया करूँ लड़कर की तो इससे चेहरा चमकी जावे और मैं बस लिप गार्ड और काजल लगाया करूँ बिंदी लगाया करूँ कुछ नहीं बस
मेरा बुक वो कौन करे। और दिन में मैं एक आधी पर लगा लूँ टमाटर बाइक टमाटर का शायद लगा के वो फेस पर लगा लिया करूँ क्योंकि मेरे थोड़ी बहुत वही प्रेगनेंसी के कारण थोड़ी थोड़ी एक आधी जगह जाई रह रही है मेरे कोई जाई कह दे कुछ छाई कह दे है तो इसे पर दवाई हो तो मैंने जरूर बताई भाई प्रेगनेंसी टाइम में थोड़ी बहुत छाइयाँ का निशान रह जाओ वो जरूर बताइए भाई इसका की इलाज है जिस तरह ठीक हो जाओ कोई दवाई है या नहीं है जरूर बता दियो मैंने। तो भैया सोनी खान लग रही मक्की जो मैंने बनाई थी बूटा कोई का मक्की के बूटा बूटा मम्मा ने कहा हूँ जाओगे नींबू तोड़ के ले आऊँगी बस मम्मी रोटी चौपड़ ला रही है जाओगे मम्मी हाँ मम्मी सच्ची रोटी बनाने लाई थी फिर मम्मी ने मैं रोटी बैठने लगी ना फिर मम्मी बोली भाई मेरा पैर दुख है बैठी बैठी रोटी तो मैं पो दूंगी तू अपने जितनी भी अपने छानी काट रखी है ऐरा काट रखे भाई जवार जोर कर जो अपने जाड़े जुड़े हुए हैं उनका तो बोली वो सारा ठाक है और घुमैन में गिर दे क्योंकि भाई रात ना पीला हो जाओगा बांस मारेगा जरा गर्म गर्म क्यों गर्मी पड़े है गर्म हो जाओगा बांस मारेगा वो तो मैंने जितना भी सारा उंजर मार के घुमैन में गिर दिया है और तभी घुमान क्या कर रहे सोनी बहुत जगह खोल कह दिया कर रहे हैं खोर अच्छा खोर मैंने बिरा कोई मैंने कई कई सुनते कहते सुने खोल खोर खोर का है मारे कहने भी घुमान क्या कर रहे थारे कहने बताइए कि क्या कर रहे हैं कि नहीं बाकी भाई मेरा त्यार बड़ा कोई काम नहीं आया आओ आओ बोलो कि मेरा त्यार बड़ा कोई काम नहीं आया भाई मेरी वीडियो बड़ी नहीं ले आऊँ एक दो शूट हुई वीडियो शूट ही नहीं हुई मेरी क्योंकि छाया हो गई थी बिल्कुल ना बोलो भाई सारा काम धंधा हो लिया निपटा लिया है आरामी भाई दूसरा घर में था दूसरा घर में नींबू तोड़ लिया तो चार नींबू तोड़ के लिया क्योंकि मैंने एक जो थी ना बूटा मतलब छुट्टी कह दिया बूटा बूटा भूंदांगे मक्की भूंदांगे इतर का खावांगे चार नींबू पाए छोटे छोटे लेकिन मरस तो है चलो ले उधर उधर का दे अब मेरे फिर ओ गोल लेना भूल गई फिर सवेरे को ले ली फिर ले ले फिर मैं काम बनाऊंगा सबसे पहले गोल ले लूं गोल ले दे दे गोल ले पानी भी आता है पानी गोल मैं दूध छोड़ देता था अगला ये डॉक्टर है जी ने गोल बनाया दूध छोड़ रखा था तो इलाज इसमें क्यों के भी है सवेरे सवेरे वीडियो बना के लाओ तोड़े जाके खेत में सवेरे सवेरे दाम बढ़ जाएंगे